Hi, this is Vivek Oberoi. You're watching me on BollywoodNazar.com. केक खाना है सबको बच्चों को केक खाना है पक्का बड़ों को भी खाना है केक हाँ हाँ बोला पहले हंसने से पहले हाँ हाँ बोला मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे सक्सेना जी को थैंक करना चाहिए कार्निवल ग्रुप को कि उन्होंने इस साल भी हमारे इस हमारी एक प्रथा चली आ रही है काफ़ी सालों से हम अब यहाँ पे आईमैक्स में मेरा जन्मदिन मनाते आ रहे हैं और बच्चों के लिए एक पूरी पार्टी हो जाती है और बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी पार्टी हो जाती है जो मम्मी डैडी भी आते हैं उनके लिए भी पार्टी हो जाती है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया CPAA के लिए क्या कहूँ मैं CPAA मेरा अभी ये 13वां साल है 13th ईयर 13वां साल है हमारे इस लव स्टोरी का CPAA और मेरी लव स्टोरी का कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इतना काम किया है कि 30, 35, 40 साल वो काम करते आ रहे हैं और उसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं एक एक कोई सर्वाइवर्स हैं कोई अभी भी फाइटर हैं कैंसर से लड़ रहे हैं ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जिनकी उन्होंने मदद की और जिनकी उन्होंने ज़िंदगी बदल दी है और उनको रेस्क्यू किया बच्चों को तो उनके साथ में जुड़ने का मुझे लगता है मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है दुनिया बर्थडे पार्टीज मनाती है बड़े बड़े फंक्शंस बड़े बड़े होटल्स में 5 स्टार्स में मेरी फेवरेट सेलिब्रेशन ये है बर्थडे मनाने का मेरा फेवरेट तरीका ये है ये 13वां साल है कि मैं ऐसे अपना बर्थडे मना रहा हूँ और ये पार्टी हर साल ऐसे ही चलते रहे और हम लोग इस तरह मुस्कुराते खेलते एंजॉय करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैंसर से लड़ते रहें बस यही मेरी उम्मीद है यही मेरी प्रार्थना है थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर थैंक यू पिछले 12-13 साल से अपना जन्मदिन इसी तरह से मना रहा हूँ मुझे हमेशा लगता है कि दिस इज द कूलेस्ट वे टू पार्टी सेलिब्रेटिंग विद कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ में जो लड़ रहे हैं इस वक्त कैंसर से और कुछ ऐसे बच्चे जो सक्सेस स्टोरीज हैं और हर साल एक नया मोटिवेशन फील होता है जैसे ये अगर ये देखा जाए तो ये छोटा सा बेबी है इसका नाम है अरम और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इसके पेट में कैंसर है इसके पेट में ट्यूमर है अब इसकी सर्जरी क्योंकि खासकर स्पेशल डॉक्टर्स लगते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है ट्यूमर को पेट से निकालने के लिए इतने छोटे बच्चे के तो अभी उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है अभी सेकंड सर्जरी भी करनी पड़ेगी तो इस तरह के काम हम लोग करते आ रहे हैं कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन में मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसीलिए आई वांट टू शो पीपल बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो वांट टू सी द इम्पैक्ट वांट टू सी कि यार हम जब डोनेट करते हैं हम जब जुड़ते हैं कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के साथ तो क्या काम होता है तो वन फाउंडेशन जो मेरा फाउंडेशन है हमारा मकसद यही है कि लोगों को जोड़ना और लोगों को इम्पैक्ट दिखाना कि आप कितना लोगों की मदद कर सकते हैं और कैसे लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं जैसे आप पूछ रहे थे ना कि पॉजिटिविटी कहाँ से आती है तो 12 साल पहले जब मैं साथिया की शूटिंग कर रहा था तो ये जो है ना इतनी बड़ी ये बिल्कुल ऐसी थी इतनी छोटी और मुझे कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के यहाँ से फ़ोन आया कि एक ऐसी बेबी है जिसको लुकीमिया हो गया है कैंसर हो गया है और इसकी मदद करनी है और मैं शूटिंग से डायरेक्टली आया था हॉस्पिटल और इसकी मम्मी भी थी और ये भी थी ऐसी इसको गोद में उठाया ऐसी इसके साथ खेला और एक डिसीजन लिया कि मदद करना है और वो मदद करने के डिसीजन से आज इतना बड़ा हमें एक ब्यूटीफुल उसका एक फल मिला है उसका ब्यूटीफुल एक रिजल्ट मिला है दिस इज़ व्हाट आई मीन एक्चुअली बीइंग एबल टू चेंज लाइव्स एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर शी वेंट ऑन झलक दिखलाजा रिसेंटली एंड आई कॉल्ड अप ऑल द जजेस आई कॉल्ड अप करण शाहिद एवरीबडी एंड सेड दैट शी इज कमिंग सो मेक हर फील स्पेशल बिकॉज शी इज आवर लिटिल प्रिंसेस एंड शी इज 12 years old टुडे शी इज स्टैंडिंग हियर डांसिंग स्माइलिंग And she's a survivor. She's fought cancer successfully. This is what gives me hope. This is what makes me positive. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकती है तो हम कितने बच्चों की ऐसे हेल्प कर सकते हैं एंड शी इज जस्ट वन स्टोरी ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनकी हमने मदद की है बहुत सारे बच्चे हैं एंड नाउ आई एम होपिंग दैट वेरी सून अरहम विल ऑल्सो बी अ सक्सेस स्टोरी जस्ट लाइक दैट एक दिन ये भी ऐसे ही खड़ा होगा जब मैं शायद 50-55 साल का होऊंगा और ये भी ऐसे हंसेगा और डांस करेगा और चिल मारेगा मेरे बर्थडे पे ये अब ऐसा हो गया है कि 12-13 साल से ऐसे चलते आ रहा है कि मज़ा ही आ जाता है
यहाँ पे कार्निवल सिनेमाज, इससे पहले रिलायंस और आईमैक्स थे, ये बहुत सपोर्ट करते हैं, हमेशा हर साल यही वेन्यू रखते हैं, बच्चों को हम फिल्म दिखाते हैं, केक कटाते हैं, डांस कराते हैं, एंटरटेन कराते हैं, तो दे फील, एक दिन के लिए वो भूल जाते हैं कि हमें कैंसर है, हम कैंसर से लड़ रहे हैं। और इसमें एक और मौका ये मिलता है कि दे मीट पीपल लाइक हर, जिसका आज कैंसर रेमिशन में है एंड शी इज हेल्थी टुडे, सो दे मीट हर एंड दे फील, क्योंकि बच्चों को आप चाहे कितना बोल लो बेटा ठीक हो जाओगे, वो ऐसे विश्वास नहीं आता उनको, बट व्हेन दे सी कि ये भी ठीक हो गई, सारा दीदी भी ठीक हो गई, तो सारा को देख के दे ऑटोमेटिकली फील कि हम भी ठीक हो जाएंगे।